हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। और पहली बार मैं मोटो ब्लॉग बना रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा था, पता नहीं, जैसे कि कट लेना था, मैं भूल गया एकदम बातों में कट लेना। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बाकी तो पहली बार मोटो ब्लॉग बना रहा हूँ, ये जुगाड़ू मोटो ब्लॉग है, ना कि इसमें मैंने ओस्मो के अंदर ना कोई माइक मैंने ऐड किया है, ना कोई माइक अडेप्टर ऐड किया है मैंने, क्योंकि ओस्मो के अंदर माइक अडेप्टर के लिए, मतलब माइक अडेप्टर कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मोटो ब्लॉग के लिए माइक अडेप्टर लेना पड़ता है सबसे पहले, क्योंकि डायरेक्ट माइक आप इसके अंदर नहीं लगा सकते आप डायरेक्ट माइक, क्योंकि इसके लिए पहले एक माइक अडेप्टर चाहिए होता है, उस माइक अडेप्टर के थ्रू माइक काम करेगा ओस्मो के अंदर, वरना काम नहीं करेगा। तो माइक मंगा रहा था और माइक अडेप्टर भी मंगा रहा था, लेकिन कम से कम नहीं तो 3000 का सेटअप था वो माइक का जो मैं लगा रहा था। तो मैंने कोई वीडियो देखी थी, तो उस वीडियो के थ्रू मेरे को एक आइडिया आया कि यार एक बार यही करके देख लिया जाए। फ़ोन को मैंने एयरप्लेन मोड पे डाल रखा है और फ़ोन का जो हेडफोन होता है, उस हेडफोन को मैंने, पहले मैं देख लूँ कि ये चल रही है रिकॉर्डिंग, हाँ चल रही है। तो मैंने देखा, अभी पता नहीं, मेरे को ये भी नहीं पता कि ये कैमरा एंगल कैसा आ रहा है, आप जो व्यू देख पा रहे हो कैसा देख पा रहे हो वो भी नहीं पता मेरे को, लेकिन पहली कोशिश है ये, देखो कैसी होती है ये पहली कोशिश। और अभी फ़िलहाल मैं विकासपुरी में हूँ, ऑफिस की ओर जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा इतने टाइम से व्लॉग, अरे यार मैं पहले टॉपिक से ही चेंज हो जाता हूँ, समझ में नहीं आता, भूल जाता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि 3000 का सेटअप ना खरीदने पर, 3000 का सेटअप खरीदने की बजाय मैंने सोचा कि ये जुगाड़ कर लिया जाए। मैंने अपने फ़ोन के अंदर हेडफोन डाला, हेडफोन कनेक्ट किया और उस हेडफोन को अपने कपड़ों के अंदर, मतलब मैंने कॉलर की साइड मैंने सेट कर दिया हेडफोन को, ताकि अगर मैं ट्रैफिक में चल भी रहा हूँ तो आपको आवाज़ आती रहे पूरी प्रॉपर हमेशा। मतलब जैसे मैंने देखा है कि बहुत सी वीडियो में लोग माइक सही से सेट नहीं कर पाते, अभी मेरे को भी नहीं पता कि आवाज़ कैसी आ रही होगी, ये तो अब मैं ऑफिस जाने के बाद चेक करूँगा कि आवाज़ कैसी आ रही है कैसी नहीं आ रही, उसके बाद ही मेरे को पता चलेगा। अगर ये सक्सेस रहा तो मेरे को 3000 खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा लफड़ा सिर्फ ये है कि अगर आपका फ़ोन आता है, आप, क्योंकि मेरे को एयरप्लेन मोड पर डाल रखा है इस वक्त मेरे फ़ोन, अगर किसी का फ़ोन आया तो वो फ़ोन आ नहीं सकता, वो भी इसलिए मैंने डाल रखा है जिससे मेरा जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो कंटिन्यूसली चलती रहे। ये मेरी मेस्ट्रो है, पहली बार आपने शायद देखा होगा, वरना आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा इसको। और अभी मैं फुल स्पीड में चला रहा हूँ ये देखने के लिए कि ये जो अगर हवा चल रही है तो हवा मेरे हेडफोन के माइक को पता चल रही है नीचे पता चल रही, सिर्फ ये देखने के लिए मैं तेज़ चला रहा हूँ। और ये सक्सेस रहा तो कंटिन्यू रखेंगे इसी चीज़ को, वरना माइक के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे माइक सेटअप के लिए, जो कि मैं सोच रहा था अगर नहीं खर्च करने पड़े तो ज़्यादा सही है, यही सक्सेस हो जाए मैं तो कहूँ। अगर ऑफिस में जाके पता चलेगा बाकी क्या होता है क्या नहीं होता। और सबसे पहली बात मैं ये बताना भूल गया आपको, मैंने एक, मतलब मेरे पापा ने हीरो की इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदी है, उसको 2-3 हफ्ते से ऊपर हो गया है वैसे तो, लेकिन रेड लाइट की तो मैंने अंदर मोड़ ली, वैसे पता नहीं कल बंद था यहाँ से, अब देखो वैसे क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हीरो की इलेक्ट्रिक स्कूटी हमने खरीदी थी, तो उसका भी रिव्यू अभी बनाना है, उसका रिव्यू भी शूट नहीं कर पाया मैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया, मतलब 7 दिन या 8 दिन हो गए हैं, 8वां दिन होगा मेरे ख्याल से, व्लॉग एक भी अपलोड नहीं हो पाया है। और इसकी बहुत बहुत मेरे को इस चीज़ का दुख है, क्योंकि मैंने आपको कहा था बीच में मेरे पापा मम्मी की एनिवर्सरी भी आ गई थी, तो उस चक्कर में थोड़ा फंक्शन वगैरह में बिज़ी थे, मैं आपको क्लिप ऐड कर दूंगा नेक्स्ट व्लॉग में अगर वीडियो आ जाती है एडिट होके, क्योंकि मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया था।
व्लॉग बनाने का, क्योंकि फंक्शन में पूरा बिजी था मैं और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। मैं सोच रहा था व्लॉग बना लूँगा, उस चीज़ का भी व्लॉग नहीं बना पाया। तो मैं बिल्कुल एक काम कर सकता हूँ बस, कि जो फुटेज आती है DSLR की वो मैं ऐड कर दूँगा बीच में अगर नेक्स्ट व्लॉग तक आ गई, वरना फिर उससे नेक्स्ट व्लॉग में देखनी पड़ेगी। तो फिलहाल अभी मैं इस चीज़ के लिए टेंशन में हूँ कि मेरी बैटरी का बॉक्स मैं घर पे भूल आया ओस्मो की, और इसकी बैटरी कंटिन्यूसली अब रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मेरे को लग रहा है कि पता नहीं जल्दी ख़त्म ना हो जाए। 90% थी वैसे भी, और अब पता नहीं कितने परसेंट होगी, मेरे को आइडिया नहीं है। ये रॉयल इनफील्ड का शोरूम, ड्रीम बाइक, वैसे तो ड्रीम बाइक मेरी पल्सर है, पल्सर RS 400। बजाज वालों ने पल्सर RS तो लॉन्च नहीं करी, 400 पल्सर RS 400 उसके लिए उन्होंने लॉन्च डेट डाल रखी थी इसी ईयर की, लेकिन उन्होंने इस ईयर में अपनी दूसरी पल्सर की बाइकें लॉन्च कर दी हैं। लेकिन मेरे को इंतज़ार है कि पल्सर RS 400 कब तक लॉन्च होगी, मेरे को उस चीज़ का इंतज़ार है। और रेड लाइट पे हम स्कूटी बंद कर देते हैं पॉल्यूशन का पालन करते हुए। ये तिलक नगर के फ्लाईओवर पे आ चुके हम, और फिलहाल देखो क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि आज मैंने मोटो व्लॉग का इसलिए सोचा क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाएगा, कभी इधर कभी उधर भागना रहता है। तो मैंने सोचा, और हो सकता है कि आपको रेगुलर वे में मोटो व्लॉग दिखते रहें, ये व्लॉग देख के अगर मेरे को पता चल जाएगा कि सक्सेस हुआ है ये व्लॉग नहीं हुआ है, और अगर ये वॉइस क्वालिटी भी सही रही तो फिर तो सीधा 500-600 रुपये खर्च किए जाएंगे सिर्फ हेडफोन के अंदर, क्योंकि जब इसी से काम चल जाएगा तो फिर 3000 का खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसी से काम चला लिया जाएगा। बस एक फ़ोन एक्सटर्नल चाहिए होगा मेरे को, जिससे कि मैं शूट कर सकूँ, जितनी भी वॉइस है मेरी रिकॉर्ड हो सके। और अभी तो मेरे को ये भी नहीं पता कि अगर मैं एडिट करता हूँ वीडियो को सॉफ्टवेयर में, तो जो मेरी वीडियो है और जो मेरी रिकॉर्डिंग है वो मैच करेगी या नहीं करेगी, मेरे को ये भी नहीं मालूम। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि अगर हम क्वालिटी देखते हैं, मतलब वीडियो देखते हैं और फुटेज देखते हैं और रिकॉर्डिंग देखते हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत उसी में आती है मिक्स करने में, उसको मैच करने में। 1080 60 FPS पे शूट हो रही है ये मेरी वीडियो, और बहुत से लोगों ने मेरे को घर से जैसे ही निकला मैं, बहुत से लोग देख रहे थे कि ये बंदा क्या करता हुआ जा रहा है, कैमरा लगा रखा है। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता कि कैमरा होता है मोटो व्लॉगिंग के लिए, तो कैमरा कैसा होता है कैसा नहीं होता। रेड लाइट पे रुके हुए हैं, जल्दी निकलेगी रेड लाइट। ये बंदा भी मेरे को देख रहा है मेरे साथ में, लेकिन मैं मुड़ के दिखा नहीं सकता। राइट हैंड साइड पे बंदा मेरे को देख रहा है कि मैंने मोटो व्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं। पहली बार एक अजीब व गरीब सी फीलिंग आ रही है मेरे को, कि दिल की धड़कन तेज़ हो रही है कि पहली बार मोटो व्लॉग बना के मेरे को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, बस क्या बताऊँ मैं, वो बोल नहीं पा रहा, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या ऐसी फीलिंग आ रही है मेरे अंदर, कि क्या ऐसा हो रहा है मैं समझ ही नहीं पा रहा। मैं चेक कर लेता हूँ दोबारा, रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही है। चल रही है भाई रिकॉर्डिंग तो। बाकी अपने को भी थोड़ा सा यार सपोर्ट करो यार, प्लीज़ यार, सब लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट करो अपने भाई को, क्योंकि ये व्लॉग स्टार्ट भी मोटो व्लॉग के साथ ही हुआ है और एंड भी मोटो व्लॉग के साथ ही होएगा, क्योंकि ऑफिस में जाके फिर मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाएगा, मैं घर पहुंचूंगा सीधा रात को। और इसी बीच में बोल देता हूं, क्योंकि मेरे को ये भी नहीं पता कि बैटरी कितनी हो चुकी होगी ओस्मो की, तो अभी मैं बोल देता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहो, और जितने भी आपके फैमिली हैं, रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सबको शेयर करो मेरा चैनल है DMK Vlogs। पहले मैंने एक चीज़ और बताना भूल गया वैसे मैं आपको, कि मेरे ब्लॉग को शाउट आउट दिया हुआ है करण सहगल ने। करण सहगल भाई ने अपने, मतलब उन जब उन्होंने कहा था अपने ब्लॉग्स के अंदर
कि मैं लास्ट में शॉर्ट आउट दूंगा कि नहीं पांच लोगों को, तो तब मैंने एक बहुत लंबा चौड़ा सा कमेंट डाला था, तो वो कमेंट शॉर्ट आउट हुआ था। वैसे कमेंट तो मैं हमेशा डालता था, लेकिन वो बहुत लंबा चौड़ा मैंने डाला था, तो इसलिए उनकी नज़रों में आ गया, तो उन्होंने उस वक्त मेरे को शॉर्ट आउट दिया था। कोई नहीं, पीछे से ठुक गई है मेरी स्कूटी, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा मोटा होता रहता है। तो पहली बात तो भाई किसी से भी लड़ाई मत करो, मैं तो कहूँ, मैं तो बैटरी भी नहीं देख पा रहा। यहाँ तो मेरे को एक अलग से माउंट ऐसा इतना लगाना पड़ेगा, माउंट थोड़ा सा ऊंचा सा रहे, पता नहीं वैसे इतने ऊंचे माउंट आते नहीं होंगे। ये मैंने बैंड लगा रखा है, जो वीडियो आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मैंने वो वीडियो अनबॉक्सिंग कर रखी है, जो माउंट मैंने मंगाया था 500 रुपये का पड़ा था मेरे को वो माउंट। हाँ, तो मैं ये कह रहा था साथ में आपको कि भाई अगर कभी भी रोड पे आपसे किसी की भी टक्कर हो जाती है, छोटी मोटी भी अगर टच भी हो जाती है ना गाड़ी, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि यार वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। मैं तो कहता हूँ अगर गलती आपकी भी नहीं है ना यार, आज का टाइम ऐसा है कि बिल्कुल भी किसी से लड़ाई मत करो, बिल्कुल भी। अगर आपकी भी किसी ने गाड़ी ठोक दी है ना, तो आप भी उस बंदे को बिल्कुल कुछ मत कहो यार, क्योंकि पैसे से हर चीज़ हो सकती है। ख़राब चीज़ भी पैसे खर्च करोगे तो ठीक हो जाएगी, लेकिन यार अगर जो शरीर होता है ना, जैसे लोग मारपीट पे उतर आते हैं, तो वो चीज़ तक बिल्कुल मत पहुंचो यार, क्योंकि जब लोग मारपीट पे उतर आते हैं तो आप पैसे तो खर्च कर लो, लेकिन जो शरीर पे चोट लगती है वो हमेशा मतलब महसूस रहती है आपको। जो चीज़ पैसे खर्च करके ख़राब हो गई है, जो मशीनरी है, वो मशीनरी तो फिर भी ठीक हो जाएगी यार पैसे खर्च करके, लेकिन जो शरीर है आपका, वो यार बिल्कुल मतलब लड़ाई के अंदर अगर कहीं पे भी चोट गलत जगह लग गई, कुछ भी हो सकता है, वो ज़िंदगी भर सहना पड़ता है यार, बिल्कुल लड़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपनी आज का टाइम ऐसा, अपनी गलती ना भी हो फिर भी सामने वाले को सॉरी बोल के निकल लो चुपचाप, क्योंकि सामने वाले का भी नहीं पता वो किस बैकग्राउंड से रिलेट करता है, किस बैकग्राउंड से नहीं करता। और बहुत कम लोग ही ऐसे होते समझदार, मतलब ऐसे ज़्यादातर समझदार होते हैं जो कि फाइट से दूर रहना पसंद करते हैं, जो मतलब सोचते हैं कि यार फाइट करने का फ़ायदा नहीं है। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो फाइट करते हैं, ज़्यादातर बंदे फिर भी मैंने देखा है कि वो नॉर्मल मतलब ख़त्म बात ख़त्म करके निकल लेते हैं, जैसे कि मैं हूँ। ये देखो पुलिस वालों ने पकड़ रखा है सबको, ये देखो डोमिनार भी दिल को छूने वाली बाइक है। बाकी देखो क्या होता है क्या नहीं होता, डोमिनार लेने का मन तो करता है लेकिन अभी पैसा नहीं है भैया, क्या कर सकते हैं। कितना कोशिश जारी है अपनी मोटो ब्लॉग करने की, मोटो ब्लॉग के थ्रू दिखाते रहेंगे, वीडियो अपलोड होनी चाहिए बेसिकली। तो इसी के साथ टाटा बाय बाय, और अपने भाई को यूं ही प्यार करते रहो प्लीज़, ब्लॉग में आगे बढ़ाओ यार मेरे चैनल को, द एम के ब्लॉग्स को। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। फ़िलहाल चलते हैं अपन।